हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों ने इस चैनल को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिया। ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना। देखिए दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ खासकर जब भी कोई बाइक लॉन्च होने वाली रहती है तो भाई कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपनी है वो खुद ब खुद बाइक की जो चीज़ें हैं ना वो रिवील कर देती है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 आपको पता है कि इंडियन मार्केट में कल की डेट में लॉन्च होगी, जो कि 7 अगस्त है और आज है 6 अगस्त। अब दोस्तों इन्होंने पहले से सारी चीज़ें रिवील कर दी, सारे स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट आ चुके हैं इस बाइक के। आज के इस वीडियो में हंटर 350 के बारे में ही बात करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना एंड रिक्वेस्ट टू ऑल भाई थोड़ा वीडियो भी शेयर कर दिया करो। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में कि फाइनल प्राइस आखिर रखा क्या जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि फिलहाल अभी जो फाइनल प्राइस है वो नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि बाइक अभी लॉन्च नहीं हुई है। जब तक बाइक भाई फाइनल लॉन्च नहीं होगी तब तक ये नहीं बोल सकते कि फाइनल भाई मतलब ये फाइनल इसका प्राइस है। हालांकि इसमें आपको 2-3 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि बेस मॉडल रहेगी, टॉप मॉडल रहेगी, है ना। इसमें आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन, सिंगल टोन कलर ऑप्शन, सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ऐसे ऐसे जो डिफरेंसेस है वो आप लोगों को बाइक में देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों प्राइस अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि जो अपनी बेस मॉडल रहेगी वो अराउंड 150 से 160 के आसपास की एक्स शोरूम प्राइस जा सकती है एंड जो टॉप मॉडल रहेगी वो अराउंड 180 टू 185 के आसपास की जा सकती है। जब तक भाई फाइनल मतलब कल की डेट में तो वैसे रिवील होने ही वाला है, बाकी कल इसका फाइनल जो प्राइस आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। बात कर लें इस बाइक के बारे में। देखिए इस बाइक में आपको इंजन में सेम वही इंजन यूज़ किया गया है जो कि लास्ट टाइम रॉयल एनफील्ड की आपको पता है मेटियोर 350 में यूज़ किया गया था और क्लासिक 350 में भी सेम इंजन यूज़ किया गया है। इंजन टाइप में सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOSC 2-वॉल्व इंजन हमें इस बाइक में देखने को मिला, जो कि एयर एंड ऑयल कूल इंजन के साथ में आता है। मैक्सिमम पावर में अराउंड 20.2 के आसपास का PS पावर दिया गया है। जी हाँ, 20.2 के आसपास का PS पावर है एंड मैक्सिमम टॉर्क में अराउंड 27 के आसपास का न्यूटन मीटर जो टॉर्क है वो यहाँ पे बाइक में यूज़ किया गया है, जो कि 349 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन है। मतलब सेम मीटर वाली पावर आपको बाइक में मिलने वाली है, जो कि नंबर ऑफ 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ में ये इंजन आता है। ये तो ठीक है, लेकिन दोस्तों इस बार जो स्पीडोमीटर यूज़ किया गया ना रॉयल एनफील्ड की तरफ से वो सभी को हैरान कर दिया। स्पीडोमीटर में फीचर्स काफ़ी सारे दिए हैं। इसमें सेम वही स्पीडोमीटर यूज़ किया गया जो कि लास्ट टाइम मीटर 350 में आता था, एनालॉग विद डिजिटल मीटर। और फीचर्स आपको बता दूं कि इसमें फीचर आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको बता दूं इसमें आप लोगों को स्पीडोमीटर एनालॉग मिलता है, ओडोमीटर डिजिटल है, ट्रिप मीटर डिजिटल है, फ्यूल गेज डिजिटल है। मैं आपको बाइक में बताना चाहूँगा एडिशनल फीचर में बाइक में आपको नेविगेशन सिस्टम भी दिया गया है, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, ये सारे फीचर्स भी आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलेगा। मतलब फीचर्स में यहाँ पे काफ़ी तरीके से ध्यान दिया गया है। बात कर लें इस बाइक के इलेक्ट्रिक्स के बारे में, यानी कि लाइट्स के बारे में। देखिए लाइटिंग में फ्रंट में आप लोगों को बाइक में नॉर्मल हेलोजन लाइट दी गई है और मुझे उम्मीद था कि शायद इसमें फुली डिजिटल मीटर सॉरी LED लाइट दे दे रॉयल एनफील्ड की तरफ से, बट ऐसा हुआ नहीं है। बट मुझे उम्मीद है आने वाले समय में शायद रॉयल एनफील्ड अपडेट करेगा एक ना दिन। एंड वही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इस बाइक में आप लोगों को टर्न सिंगल लाइट भी बल्ब मिलते हैं, टेल लाइट जरूर आपको बाइक में जो है वो LED टेल लाइट प्रोवाइड की गई है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। बात करें बाइकिंग एंड टायर्स एंड ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग में दोस्तों यहाँ पे आपको बाइक में दोनों ऑप्शन दिया जाएगा, चाहे आप सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ले लो, चाहे आप डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ले लो। उसके बाद दोस्तों प्लेट साइज जो दी गई है फ्रंट की बहुत ही अच्छी है, 300mm 300mm की प्लेट फ्रंट में यूज़ की गई है। रियर में भी काफ़ी बड़ी प्लेट यूज़ की गई है, 270mm। भाई जितने मार्केट में जितनी भी ये बाइक्स आती है ना, मैं किसी में रियर में इतनी बड़ी प्लेट नहीं देखा हूँ जो कि रॉयल एनफील्ड ने यूज़ की है, क्योंकि मतलब ब्रेकिंग इसकी काफ़ी तगड़ी होने वाली है। बात करें टायर्स के बारे में तो फ्रंट में 110 का टायर, 110-70 के आसपास का टायर मिलेगा। रियर में लगभग 140-70 के आसपास का जो टायर है वो रियर में यूज़ किया गया है इस हंटर 350 में। बाकी आप इसकी सीट देख पा रहे हैं, इसमें आपको सिंगल सीट देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, डुअल यानी कि स्प्लिट सीट का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये रेट्रो सीरीज़ की बाइक है और रेट्रो सीरीज़ जो बाइक्स होती है वो ऐसे ही आती है। और पर्सनली अगर मैं बोलूँ भाई, मेरे हिसाब से तो बाइक बहुत ही अच्छी लग रही है। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये बाइक कैसी लगी। तो ये दोस्तों एक छोटी सी वीडियो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में, कल की डेट में ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इस बाइक का कंप्लीट जो रिव्यू है वो मैं आप लोगों को दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।